बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस वक्त जो मौजू ज़ेरे बहस है वो बराहे रास्त फीड लॉट फैटनिंग यानी जानवरों को फरबा करके गोश्त उनसे हासिल करना और उनको बेचने के लिए बेशुमार पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी टिप्स बताई जाएं, ऐसी चीज़ें बताई जाएं उन्हें जो खुराक, ख़ास तौर पे जानवरों की खुराक शुरू कैसे की जाती है। हमारे बहुत सारे कॉलर्स इस बिज़नेस में आ चुके हैं और कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नहायत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम देखते रहें और उन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं खुराक के लिए और ख़ुराक शुरू कैसे की जाती है। ये भी हो सकता है कि बड़ी उम्र के लोगों ने जानवर ख़रीदे हों शुरू में, या फिर छोटे ख़रीदे हों, तो उनको शुरू कैसे करनी है खुराक। याद रखें, अगर जानवर को ज़्यादा अनाज वाली खुराक पर बहुत जल्दी लाया जाए तो मेदे यानी र्यूमन के जरासीम को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। ये जोगाली करने वाले जानवरों की बात कर रहा हूँ, तो उनको वक्त नहीं मिलता कि इस खुराक को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें, लिहाजा वो खाना छोड़ देंगे। लिहाजा जानवरों को अच्छी किस्म के खुश्क चारे से शुरू करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अनाज की मकदार बढ़ाना चाहिए। और इस सिलसिले में खुश्क फलीदार चारा की बजाय खुश्क घास का चारा बेहतर होगा। अगर दूसरी या तीसरी कटाई वाले लूसन का खुश्क चारा खिलाया जाए तो अमूमन जानवर को देखा गया है कि डाइसेंट्री हो जाती है यानी जुलाब लग जाते हैं, उसका जुलाब लगने का खदशा होता है, जो कि खुश्क घास खिलाने से कम हो जाता है। तो शुरू में कुल खुराक का, ये हमेशा मुझे पूछते हैं कितने फ़ीसद अनाज होना चाहिए और कितना फ़ीसद चारा होना चाहिए, तो याद रखें शुरू में कुल खुराक का 80% अनाज और 20% चारा ऐसे जानवर को खिलाए जा सकते हैं जिन्होंने बचपन में अनाज खाया हो, जबकि एक हफ्ते के अंदर अनाज की मकदार वो बढ़ा भी सकते हैं। वो बढ़ा के 90% अनाज कर लें और चारा, बाकी चारा जो है वो 10% करें, तो इससे वो खूब फरबा होंगे। लेकिन ये उन जानवरों के लिए है, उन कटड़े बछड़े जो आपने ख़रीदे हैं, अगर तो वो शुरू से आदि हैं, उन्होंने शुरू से खाया है अनाज, तो फिर तो आप ये तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद का सारा अरसा आप फिर उनको 90% अनाज और 10% चारा जाते वो खिलाए जा सकते हैं, मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि ऐसे जानवर जिन्होंने पहले अनाज ना खाया हो, और ये एक सवाल भी मुझे के एक तालिबे इल्म ने किया था जब मैं एक लेक्चर दे रहा था,
तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब अगर पहले अनाज ना खाया हो तो उनको शुरू में क्या करना चाहिए। तो शुरू में अनाज कम और चारा उनको ज़्यादा देना चाहिए। मसलन 60% अनाज और 40% चारा जहाँ से शुरू करें, 60% यानी कंसंट्रेट, ये जो वंडा बना रखा है आपने, वंडे के मैंने 8 फार्मूले एक प्रोग्राम में दिए हैं, उनसे आप देख लें। और वंडा जब आपने देखना है कि कितने फीसद, 60% यानी अनाज दें और बाकी जो है 40% चारा जहाँ से शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता अनाज बढ़ाते जाएं और चारा कम करते जाएं, या शुरू से ही 90% अनाज और 10% चारा जब खिलाए जा सकते हैं। ताहम इस सूरत में खुराक की कुल मकदार जानवर के जिस्मानी वजन के 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। यानी कि खुराक की कुल मकदार जानवर के जिस्मानी वजन के 1% से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मकदार बढ़ाते जाएं और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जितना खाएं खिलाते जाएं। खुराक शुरू करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि खुराक में 60 से 70% अनाज और 30 से 40% चारा जात शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता ये अनाज बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि 2 हफ्ते बाद जानवर जिस्मानी वजन का 2% तक अनाज खाना शुरू कर दें। यानी जो उनका वजन देख लें, उसी 2% आप देखेंगे इंशाल्लाह वो उनका वजन जो के बराबर, 2% के बराबर वो अनाज खाना शुरू कर देंगे। पहले आपने 1% से ज़्यादा नहीं, 1% तक रखें शुरू शुरू। लेकिन गोश्त वाले जानवर अमूमन अपने जिस्मानी वजन का तकरीबन 2.5 से 3% तक खुराक खाते हैं, ये याद रखें। यानी अगर 100 किलो है, 100 किलो वजन है उसका, या 200 किलो वजन, अगर 100 किलो है तो 2.5 किलो या 3 किलो वो अनाज वो खाएगा, खुराक, ये कंसंट्रेट की बात कर रहा हूँ, वंडा खाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अनाज महंगे हैं, लिहाजा हमें सनती जो ज़मीनी मसनूआत हैं, मसलन चौकर है, राइस पॉलिश है, मुख्तलिफ खलें हैं, उनके मील्स हैं, फीड जो मेज ग्लूटन वगैरह, फीड शीरे और यूरिया का इस्तेमाल वो हमें बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ चारा जात ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। अगर भूसा जात इस्तेमाल किए जा रहे हों तो इनको यूरिया खाद के साथ ट्रीट करके खिलाना चाहिए। आप वो मेरा एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि यूरिया खाद से कैसे इसकी गजाइत बढ़ाई जाती है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, वो प्लीज़ देख लें और उस पर अमल करें। और हम गोश्त की दरमियानी पैदावार लेने के लिए चारा जात और यूरिया और शीरा के ब्लॉक्स पर इनहसार कर सकते हैं। ये ब्लॉक्स भी मिलते हैं, मोलासिस ब्लॉक्स इनको कहते हैं, तो उनको वो चाटते हैं और उससे काफ़ी हद तक उनके विटामिन्स और मिनरल और दूसरी चीज़ों की कमी वो पूरी हो जाती है। इस तरह बेचने वाले अनाज को इंसानों या मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बचने वाले, सॉरी, जो बचने वाले अनाज को आप मुर्गियों वगैरह कम गजाइत वाले चारा जात के, यानी ओजड़ी, जो रूमेन की बात की, जो मैदा होता है उसका स्टॉमिक में हजम होने के दौरान काफ़ी मकदार में गर्मी पैदा होती है, ये याद रखें। कम गजाइत वाले जो चारा जात हैं
उनके हजम होने के दौरान काफी मकदार में गर्मी पैदा होती है, लिहाजा ऐसे चारा जात सर्दियों के मौसम में ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जबकि गर्मियों में इससे मजीद जानवर पर मजीद दबाव पड़ता है। और बच्चा देने के बाद गाय को 2 से 3 माह के अंदर दोबारा हामला हो जाना चाहिए। ये तो उन जानवरों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो हामिला जानवर हैं, उनको खुराक के लिए जो रसूल अपनाए जाते हैं वो उनका जिक्र है। लेकिन हम चूँकि इस वक्त बात कर रहे हैं गोश्त वाले जानवरों की, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप इनको ज़्यादा अनाज और कम चारा दें। यानी वो मैंने फ़ीसद आपको बता दिए कि कितने फ़ीसद से आपने शुरू करना है, तो शुरू करने का तरीका और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ तक कि 90% अनाज और 10% चारा, वो ये मकदार आखिरी है हद, इससे आपने ज़्यादा नहीं करना। 90% अनाज रखें, 10% चारा, एंड में जब ये खूब फरबा हो जाएंगे मोटे ताज़े, और इंशाल्लाह 3.5 से 4 माह के अंदर अंदर ये डबल वेट गेन कर लेते। तो ये था गोश्त या फरबा करने वाले जानवरों जो आपने मुख्तलिफ एजेंसियों से, मुख्तलिफ मार्केट से, मुख्तलिफ मंडियों से आपने लेके वो पालने शुरू किए, तो उनको खुराक इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी वो बढ़ाते जाना है और सब्ज़ चारा वो कम करते जाना है। अब इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट आपसे इजाज़त लेने से पहले, और इस वक्त मैं हदीस की बजाय एक कुरान पाक की आले इमरान, सूरह आले इमरान से कोट कर रहा हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहायत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने चरिंद परिंद का ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकरबा का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बमैक अहल व अयाल और आपके जानवरों, फसला, बागात जो भी आपके पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर